हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बेसन के सेव की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेसन का सेव बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 2 पिंच हींग और नमक जो है स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, वैसे मैंने डाला है 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक और 2/3 कप दूध। हम इसे दूध से सानेंगे और मुझे 1/4 कप पानी चाहिए, जिसमें हम अजवाइन और हींग को बॉयल करेंगे। और उसके साथ साथ हमें चाहिए सेव बनाने की ये मशीन, जिसकी जाली सबसे छोटी वाली लगेगी, सबसे पतली छोटी वाली जाली लगेगी। बेसन का डो बनाने के लिए इस बेसन को इस बाउल में डालेंगे। इस बेसन को इस बाउल में डाल दिया है, अब हम बेसन का डो लगाएंगे। देखिए, गैस जलाकर मुझे 1/4 कप पानी इसमें डालना है और इसमें ये जो अजवाइन मैंने लिया था वो भी इसमें ऐड कर देना है और जो मैंने हींग लिया था उसे भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसे तब तक उबालना है जब तक ये पानी आधा हो जाए। देखिए दोस्तों, ये अजवाइन का और हींग का पानी है जिसे मैंने जलाकर 1 टेबल स्पून तक कर दिया है और इसे हम अब बेसन में डालेंगे। पहले हम मिर्च को डालते हैं। अब हम ये नमक मिला देंगे इसमें। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें हम अजवाइन का पानी डालेंगे। नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं आप। अब हम रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ ये दूध धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह का हमारा डो होना चाहिए। थोड़ा तेल लगाकर हाथ में थोड़ा मिला लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह फेंट लिया है, मिला लिया है और इस तरीके का मेरा डो होगा और इसे मैं ढककर 5 मिनट के लिए अभी छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो गया है और 5 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे और पहले हम सांचे में तेल लगा लेंगे। दो ये महीन जाली ही यूज करना है। इसे मैं सेट कर देती हूँ, थोड़ा ऑयल लगा देती हूँ। इसको दबा के ऊपर की तरफ करेंगे। अब हाथों में तेल लगा लेंगे थोड़ा
देखिए हमने कितना गीला साना था इसको, इस बेसन का डो में हमने कितना गीला लगाया था, लेकिन ये सेव के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। हाथ में तेल लगा लेंगे और धीरे धीरे इसमें डालेंगे। सेव बनाने के लिए हम कभी भी सरसों के तेल का यूज़ नहीं करेंगे इस सेव बनाने के लिए, और हम रिफाइंड में बनाएंगे। सरसों के तेल में बनाने से ये सेव हार्ड हो जाता है, और रिफाइंड में बनाने से ये बहुत करारा और बहुत मुलायम अच्छा बनता है। देखिए मैंने इसको यहाँ तक भर दिया है, अब मैं इसमें थोड़ा और डालूँगी। हाथ में तेल लगाकर डालने से हाथ में चिपकेगा नहीं। अब मैं इसे बंद कर दी। मैंने रिफाइंड गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, रिफाइंड हमारा गर्म हो रहा है। हम आँच को हमेशा कम पे रखेंगे, ज़्यादा पे नहीं रखेंगे, और हम इसको अब चेक करने वाले हैं कि ये हुआ कि नहीं। एकदम परफेक्ट हो गया है, अब इसमें हमें सेव डालना है। आँच को हम धीमा ही रखेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसे पलट देंगे। इसे रिफाइंड ऑयल में ही तलना है, सरसों का तेल इसमें यूज नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों मेरा सेव कितना अच्छा बना है, और ये अब पक चुका है। देखिए ये हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। ऐसे ही अब हम दूसरी बार डाल देंगे। इसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पे ही पकाना है। देखिए ये भी हमारा हो चुका है एकदम परफेक्ट, इसे भी निकाल लेंगे। ये हमारा सेव बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, और अभी मैं इसको आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। आप टूटने की आवाज़ सुन ही सकते हैं कितना क्रिस्पी हुआ है, और इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के हम आराम से चाय के साथ खा सकते। ये देखिए हमारा सेव बनकर तैयार हो गया, कितना सुंदर बना है, कितना टेस्टी है, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। आप बनाएं, खाएं, और हमें कमेंट ज़रूर करें